गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या आप सभी को पता है कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि वेद व्यास जी ने एक भील को अपना गुरु माना। शास्त्रों में एक घटना के मुताबिक एक बार जब महर्षि वेद व्यास जी ने भील जाति के एक व्यक्ति को पेड़ से नारियल तोड़ते हुए देखा, तब व्यास जी के मन में नारियल तोड़ने की कला को सीखने की उत्सुकता पैदा हुई, जिसके चलते वे उस भील जाति के व्यक्ति के पीछे भागने लगे। लेकिन वह व्यक्ति व्यास जी से डर के चलते दूर भागता रहा। यह सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। वहीं व्यास जी के अंदर भी इस कला को सीखने की इतनी वेदना थी कि वे भील जाति के युवक का पीछा करते करते एक दिन उसके घर पहुंच गए, जिसके बाद वो युवक खुद तो नहीं मिला लेकिन घर पर उसका बेटा मिला, जिसने संस्कृत के प्रखंड विद्वान व्यास जी की पहले पूरी बात सुनी और फिर वह नारियल तोड़ने की विद्या सिखाने के लिए उन्हें तैयार हो गया। इसके बाद व्यास जी ने पूरी लग्न के साथ भील जाति के युवक के पुत्र से नारियल तोड़ने की विद्या का मंत्र लिया। वहीं उस युवक ने अपने बेटे को यह सब करते देख अपने पुत्र से कहा कि वो महाज्ञानी और परम ब्राह्मण वेद व्यास जी को इस कला को जानबूझकर नहीं सिखाना चाहते थे, क्योंकि वो इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि जिस व्यक्ति से किसी भी तरह का ज्ञान प्राप्त किया जाता है या फिर मंत्र लिया जाता है तो वो व्यक्ति उसके लिए गुरु के समान हो जाता है। जिसके चलते भील जाति के युवक के मन में यह शंका थी कि वे लोग छोटी जाति के हैं और व्यास जी ब्राह्मण जाति के हैं, तो ऐसे में व्यास जी उनका गुरु के समान सम्मान कैसे करेंगे। इसके अलावा उस भील जाति के पुरुष ने यह भी कहा कि अगर मंत्र देने वाले व्यक्ति को पूज्य नहीं समझा जाए तो वो मंत्र फल देने वाला साबित नहीं होता। फिर उस युवक ने अपने पुत्र को व्यास जी की परीक्षा लेने के लिए उनके दरबार में भेजा कि व्यास जी उन्हें अपने गुरु की तरह पूज्य मानकर उनका आदर सत्कार करते हैं या फिर नहीं। वहीं अपने पिता की बात सुनकर पुत्र एक गुरु के रूप में व्यास जी के दरबार में पहुंच गया, जहां व्यास जी के अपने गुरु को आते देख दौड़े दौड़े आए और उनका पूजन कर उनके आदर सत्कार में लग गए और उन्हें गुरु की तरह मान सम्मान दिया, जिसे देख उस युवक का पुत्र बेहद खुश हुआ। और इसके बाद उसने अपने पिता को व्यास जी की बारे में बताया, जिसे सुनकर उसके पिता के मन में की सारी शंकाएं खत्म हो गईं कि जो व्यक्ति एक छोटी जाति के व्यक्ति को भी गुरु की तरह उनका आदर सत्कार करता है और गुरु के समान महत्व देता है वह परम पूजनीय है। और तभी से गुरु शिष्य परंपरा में श्रीमद् भगवद गीता की रचना करने वाले इस महान ज्ञानी और प्रखंड पंडित महर्षि वेद व्यास जी को सबसे अग्रणी और प्रथम गुरु माना जाने लगा एवं गुरुओं के आदर सत्कार और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए गुरु पूर्णिमा के पर्व को पूरे श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाने लगा। आषाढ़ महीने में पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। गुरुवार होता है जो हमें हमारे जीवन से अंधकार रूपी अज्ञान को निकाल देता है